असम के गोलाघाट में कोर्ट के आदेश पर राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण प्रक्रिया का काम तेजी से चल रहा है। आज गोलाघाट के वार्ड नंबर 7 पर ऑफिसर्स ने सभी के दस्तावेज खंगाले और अभी तक इस प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। गोलाघाट में मौजूद ये ऑफिसर्स की टीम एनआरसी प्रक्रिया के काम पर तेजी से लगी है। आज इसका दूसरा दिन है। इस दौरान वार्ड नंबर 7 पर कार्रवाई की गई और इस दौरान फॉर्म भरने के बाद कई गलतियां भी नजर आई, जिस पर एक व्यक्ति ने इस मामले की शिकायत भी की है। वहीं मौके पर मौजूद ऑफिसरों ने किसी भी तरह की बड़ी गड़बड़ी को नकारा है। आपको बता दें कि असम सरकार ने कोर्ट से इस काम को 31 जुलाई 2019 तक टालने की कोशिश की थी, लेकिन कोर्ट ने सरकार की अपील को नकारते हुए 31 दिसंबर तक पहली सूची जारी करने के आदेश दे दिए हैं। हम लोग के एनआरसी के लिए बुलाया गया था, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक करना था, उसके लिए हम लोग को यहाँ बुलाया था। हम लोग 7 नंबर वार्ड से हैं, आलू पट्टी मतलब नहीं, वही डॉक्यूमेंट सब चेक करवाना था, तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एमपी महिला प्रशिक्षण केंद्र से आया हूँ, मैं उसका असिस्टेंट एलआरसी हूँ। हम लोग यहाँ जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है उसके लिए आया हूँ। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मैंने इन्वेस्टिगेशन आईएमडी थी, एनआरसी का डीएमआई थी, एनआरसी का डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर एनआरसी का, उसके लिए आया हूँ। अभी हम लोग वेरीफाई कर रहा हूँ, करीब 10 फैमिली का अभी वेरीफाई हो गया हम लोगों का। हाँ, उसका जो डॉक्यूमेंट पेश किया था वो लोग हम वेरीफाई कर रहा हूँ। अभी 2-1 में निकला है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, माइनर है, देख रहा हूँ अभी, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। 7 नंबर वार्ड का निवासी हूँ, किताब दुकान है। हम लोग एनआरसी की खबर मिलकर और एनआरसी के लिए सर्टिफिकेट के लिए आए थे, किंतु हमारा फाइल कौन से केंद्र में है हमें पता नहीं, और जिसने खबर दी उसका केंद्र अलग है, और उस केंद्र में हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, 2 बजे का समय दिया गया है, वहाँ भी जाएंगे देखेंगे, किंतु ऑफिसरों के हिसाब से हमारा फाइल अभी तक आया नहीं है। जब फाइल आ जाएगा तो वो बोले हम लोग खबर देंगे। गोलाघाट से शांतनु दत्त की रिपोर्ट।